साथ एक अर्थ सहित दृष्टि हमको दे रहे थे और दृष्टि से ही बहुत शक्ति का अनुभव हो रहा था तो बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया और फिर बाबा ने ये भी कहा कि ये जो समय है ये सदा याद रखने का है कि बाबा करण करावन हार है क्योंकि मैं ये कर रही हूँ होगा कि नहीं होगा क्या इसमें कोई मुश्किल आएगी ये सब संकल्प क्योंकि आप समझते हो कि ये मेरा है और जब कोई भी कर्म करते हैं तो बाबा कहते हैं कि हर बच्चों में विशेषता है हर बच्चे में और अगर आप ये भूल जाते हो कि करण करावन हर कौन है तो बहुत सूक्ष्म रूप में जैसे अभिमान आ जाता है विशेषताओं का क्योंकि हम बाबा को भूल जाते हैं कि बाबा करा रहे हैं जो कुछ हो रहा है बाबा करा रहे हैं तो जो भी विशेषता है क्योंकि बाबा ने हम सभी को कुछ न कुछ विशेषता तो जरूर दी है गुण तो जरूर दिए हैं और फिर विघन आ जाते हैं किस लिए आते हैं विघन तो अगर हम अपनी स्मृति में रहते हैं कि ये विशेषता अगर मेरी है इस अभिमान में आ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये बाबा की दी हुई विशेषता है बाबा के लिए यूज करना है बाबा मुझे यूज कर रहे हैं तो जब हम ये भूल जाते हैं तो बाबा कहते हैं सदा सदा ये याद रखो कि ये बाबा है जो करण करावन हार है और ये बाबा का, का कार्य है तो ये पूरा होगा ही लेकिन साथ साथ बाबा ये भी चाहते हैं कि हम में से हर कोई चाहे बाबा में हमारा प्यार है विश्वास है निश्चय है पर वो पूरा सौ प्रतिशत हो ऐसे नहीं बीस प्रतिशत अस्सी प्रतिशत नहीं पूरा सौ प्रतिशत प्यार चाहिए बाबा को और जब हमें सौ प्रतिशत प्यार होता है बाबा से तो आप अनुभव करोगे ना कि सिर्फ हल्कापन a... परंतु साथ, साथ आप ये भी अनुभव करोगे जैसे कि आप बेफिकर हो बेफिकर कोई भी चीज होती है आप समझोगे हाँ, बाबा ध्यान रखेंगे, इसका बाबा ध्यान रखेंगे बाबा मेरे साथ है तो बाबा इस संगम युग पर मेरे साथ है बाबा मेरा साथी है और बाबा कार्य कर रहा है करा रहा है बाबा मेरे साथ है और बाबा हमको रास्ता भी दिखाएंगे फिर कुछ जादू दिखाएंगे हाँ और बाबा के अगर हम बाबा पर छोड़ते हैं सब तो हम अनुभव करेंगे कई कई बहुत सुंदर चीजें बहुत सुंदर बातें आज शरीर थोड़ा ठीक नहीं है फिर भी बाबा ने बहुत बहुत प्यार दिया जो मैं आप सबके लिए लेकर आया अच्छा ओम शांति हसरत है हमारी बाबा पर दो वो पूरी आके जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों

शांति वेलकम टू व्यक्ति परिवार शांति स्वागत है आपका व्यक्ति परिवार में तो आज हमारा आखिरी दिन है इस मास का तो पहले हम जो पुरानी सीरीज चल रही है हमारी दुआएं दो दुआएं लो तो वो हम कंक्लूड करेंगे और फिर उसके बाद नए मास में कौन सी टॉपिक शुरू होगा वो आपको बताएंगे नया जो विषय आया है दिसंबर का वो भी बहुत सुंदर है तो पहले हम आ, दुआएं दो दुआएं लो जो सीरीज है उसके बारे में दीदी से सुनते हैं और फिर उसके बाद नई सीरीज के बारे में आपको बताएंगे शांति शांति सतगुरुवार की सबको मुबारक हो ब्यूटीफुल मॉर्निंग आप सबका आज बहुत अच्छा दिन होगा ना हम बाबा के साथ बादा, थे बाप दादा हमको बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर जो मुरली सुनाई बाबा ने तो जब हम ये सुनते हैं कि दुआए लो या बाबा से हम वरदान लेते हैं तो कैसे होता है कब लेते हैं वरदान तभी होता है ना जब हमारा बाबा से वो शुद्ध प्यार है बाबा के लिए हमारे मन में बहुत आभार है शुक्रिया है तो जब हम बाबा से कुछ प्राप्ति करते हैं तो फिर हमको जब हम बाबा को शुक्रिया कहते हैं तो जैसे कि हम दुआएं ले रहे हैं बाबा से तो आप में से कईयों ने बहुत सुंदर अनुभव लिखकर हमको भेजे हैं तो मैं समझती हूँ कि क्या होता है कि जो लोग अभ्यास करते हैं ध्यान देते हैं होमवर्क पर और वो जानते हैं कि हमें क्या परिवर्तन करना है हमारे अंदर कौन सा परिवर्तन हमको करना है अपने संकल्पों में अपनी वृत्ति में तो फिर वो उसका फायदा लेते हैं और जब वो उसका फायदा लेते हैं तो फिर उससे उन्हें अच्छे अनुभव होते हैं परिवर्तन होता है क्योंकि अभी, अभी अभी एक जो चीज मुझे बहुत अभी महसूस हुआ वो ये कि जब हमारे अंदर कोई विशेषता होती है तो फिर एक सूक्ष्म में अभिमान आ जाता है उस विशेषता का और उस विशेषता के अभिमान की वजह से आपको लगता है कि तो माना वो हमारी फिर कमजोरी बन जाती है तो आज जब बाबा हमको कह रहे थे कि सम्मान दो सबको सबको सम्मान दो तो उनकी संपन्नता की स्थिति को देखकर फिर उनको सम्मान दो तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पूरा मास हम ये तो पूरा मास बहुत जल्दी जल्दी चला गया दुआएं दो दुआएं लो का हुँ? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा चाहते क्या है बाबा यही चाहते हैं ना कि हमारा हर संकल्प ऐसा देने का बन जाए, दातापन का बन बन जाए जाए दातापन तो यही बाबा कहते हैं ना कि जैसे आज बाबा ने सुबह ड्रिल भी कराई ना फरिश्ता स्थिति की ड्रिल कराई तो देवता कौन होता है जो सदा देता रहता है देता रहता है तो कैसे हम ये करें कितना दे, किसको दे, कब दे, ऐसे नहीं सोचो बस सदा देते ही देते ही रहो रहो वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए देने का दातापन का और फिर जिसको प्राप्ति होती है और अगर उस, उसने सोचा नहीं है तो उसको प्राप्ति होती है तो प्राप्ति से फिर दुआएं देते हैं आपको तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा अभ्यास है ना तो अगले महीने तो हमारा अभ्यास है कि आ, वो हम अभी बताएंगे आपको ओम शांति। अव्यक्ति परिवार वेलकम्स यू। इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस द स्टेज ऑफ लिबरेशन इन लाइफ बिकम फ्री फ्रॉम बॉन्डेज जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो With powerful insights by Mohini Didi, Avyakti Children welcomes you once again to Happy World Season 3, followed by Avyakti Journey. Sharings by Ancestors. Avyakt Morley Revision from 1969. Heart to Heart Conversations with Seniors. <laughs> वतन में उड़ते संग तेरे चमन में फिरती तिजो तितली तुम्हारे प्यार से बाबा शांति ब्यूटीफुल टॉपिक मंथ ऑफ़ इन ऑर्डर। शांति परिवार तो अब दिसंबर का भी बहुत सुंदर टॉपिक है जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो तो मैं समझती हूँ कि नए साल के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ताकि हम नए साल में आते आते सब बंधनों से मुक्त हो जाए तो अब इस टॉपिक के ऊपर हम पूरे मास में बात करेंगे हर रोज का हमें नया होमवर्क मिलेगा जो हमको मधुबन से आए हैं अव्यक्त इशारे और हमारा अव्यक्ति परिवार का जो स्केज है वो सेम रहेगा एक नई चीज जो हम आ, आपको दिखाया करेंगे वो दिसंबर में वो बच्चों की सीरीज है और बहुत सुंदर सीरीज हमने बच्चों के साथ पहले दो सालों में की है तो दिसंबर में हम करते हैं तो अभी हम पहले दीदी से सुनेंगे दीदी से बातचीत करेंगे और फिर और कल का जो हमारा होमवर्क रहेगा रहे वो ये रहेगा तो कि तमोगुनी वायुमंडल वाइब्रेशन वृत्तियों से मुक्त रहो तो इस संगम योगी ब्राह्मण जीवन में रहते हुए तमोगुनी वायुमंडल वाइब्रेशन तमोगुनी वृत्तियां माया के वार इन सब से मुक्त रहो तब कहेंगे जीवन मुक्त तो अभी के जीवन मुक्त ही भविष्य में जीवन मुक्त पद प्राप्त करते हैं तो ये हमारा कल के लिए होमवर्क रहेगा और अभी हम दीदी से सुनते हैं और फिर हम थोड़ी सी चिट चैट भी करेंगे शांति। like तो आज तो मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी कि आप लोगों का कैसा अनुभव रहा पिछले मास का पर मैं जानती हूँ कि, कि कुछ हमारी हदे हैं यहाँ पर हम ऐसे नहीं सुन सकते परंतु मुझे इच्छा है आपसे सुनने की लेकिन ये जो पूरा ड्रामा है ये पूरा आत्मा और प्रकृति के संबंध का है so body, so तो ये जो तन है और आत्मा है be, तो freedom, ये संबंध ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हम मुक्ति का अनुभव करें या ऐसे संबंध भी हो सकते हैं जहाँ पे आत्मा बंधन की महसूसता करती है so confirm, say, तो संगम युग पर बाबा ने हमको ये युक्ति दी है कि कैसे हम अनुभव करें उस मुक्त अवस्था का तो सतयुग में तो कोई बंधन होगा ही नहीं तो अभी हमें कुछ तो अभ्यास और कुछ ऐसी बातों की समझ अभी करनी पड़ेगी अनुभव करना पड़ेगा उस मुक्त अवस्था का इस शरीर में रहते हुए तो अभी एक जो अभ्यास बाबा ने हमको बहुत सिखाया है वो है अशरीरी अवस्था का इसका अर्थ ये है कि जब भी आपको महसूस होगा कि आप शरीर है शरीर आपको तकलीफ दे रहा है या आपके इससे किसी मन को या किसी चीज को प्रभावित हो रहे हो आप तो आप कोशिश करो कि आप इस शरीर से न्यारे हो जाओ और कभी भी दुख का अनुभव नहीं करो बल्कि उसको बहुत अच्छी वाइब्रेशंस दो कई लोग जो हठ योग भी करते हैं ना वो भी ऐसे आपको सिखाते हैं कि आपको शरीर का कोई भी हिस्सा जो तकलीफ दे रहा है तो आप जब कोई भी व्यायाम करते हो स्ट्रेचेस करते हो तो ऐसे कहते हैं ओह आप बहुत अच्छा कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो तो मना कि आप अच्छी एनर्जी देते हो उस शरीर के हिस्से को ताकि उसमें तकलीफ को अनुभव नहीं हो वो जैसे शरीर का हिस्सा सुनता है और परिवर्तन होता है लेकिन अगर आप हमेशा कहते रहो ओ मुझे बहुत दर्द हो रही है मुझे बहुत दर्द हो रही है यहाँ दर्द हो रही है वहां दर्द हो रही है तो फिर आपको महसूस होगी दर्द की लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं मैं ठीक हो रही हूँ पहले से अच्छी हो रही हूँ तो थोड़ी देर चाहे आपको दर्द का अनुभव हो लेकिन आप उस बार बार उसको वो एनर्जी दोगे तो मैं आपको जैसे एक उदाहरण दे रही हूँ कि कैसे हम शरीर के साथ अपना संबंध बनाए और अब है दूसरी आत्माओं के साथ संबंधों में परिवार में है सबके लिए प्यार हमें होना चाहिए और सबके पार्ट को ऐसे देखो कि हर एक का पार्ट अलग है कुछ कहते हैं कि ओ बच्चों के पास अनुभव नहीं होता लेकिन बच्चे गलत काम कर सकते हैं तो लेकिन बच्चों के सामने आप अच्छे उदाहरण बन के दिखाओ क्योंकि आपको देखकर बच्चे जो सीखेंगे वो जल्दी सीखेंगे बल्कि आपको सुनकर नहीं तो सुनने से नहीं देखने से वो जल्दी सुनते हैं एक बार हम पीस विलेज में थे और बहुत सारे छोटे चोट छोटे बच्चे आए हुए थे तो आ, कुछ लाइटें जो ठीक से नहीं थी तो बड़े उसको ठीक कर रहे थे तो छोटे बच्चे भी उनको करने लग गए लेकिन बच्चे सिर्फ देख कर ही वो चीज सीख गए कि हमको करना है आजकल तो इस तरह के उदाहरण कम हम दे पाते हैं परिवार में भी लोग ऐसा कम करते हैं तो इसलिए ये हमको अलौकिक जगह में लोग भेजते हैं या बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं कई आश्रम में भेज देते हैं ताकि वो सीखें ऐसी चीजें so, तो ये बहुत जरूरी है कि जब हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में रहते हुए हम उदाहरण बन के रहें और जो हम नियम मर्यादा अपने विश्वास जो कुछ ना कुछ उदाहरण अपने द्वारा करके दिखाए उदाहरण बन के दिखाए नहीं तो क्या होगा शुरू से ही बच्चे ये नहीं समझेंगे या जानेंगे कि हम अपनी शक्तियों को कैसे यूज करें अपने गुणों को कैसे अपने संबंधों में यूज करें तो फिर उससे क्या होगा बंधन आ जाएगा एक के बाद एक बंधन आता जाएगा लेकिन उसके लिए हमको करना क्या है तो हम जानते हैं कि कुछ तो कर्म हमने किया है ना और वो ऐसा संस्कार बन गया हमारा जो अभी बंधन के रूप में है तो जैसे संबंधों में भी हम देखते हैं कई चीजें बहुत मुश्किल हो रही हैं लेकिन हमें बाबा क्या सिखाते हैं कि सबको शुभ भावना देते रहो शुभकामना रखो सबके लिए सबके गुणों को ही देखो तो क्योंकि क्या होता है क्योंकि परिवार के साथ ही तो हमको जीवन बिताना है ना तो हो सकता है हमको थोड़ा समय लगे हमारी शुभ भावना तो होती है उसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन परिवर्तन होगा जरूर यह विश्वास रखना है कि परिवर्तन होगा जरूर और फिर हमको वो मुक्ति का उनके संस्कारों से जैसे उनको मुक्ति का तो सबसे बड़े संस्कारों की अपने संस्कारों की बंधन सबसे बड़ी होती है तो ये कदम कदम पर हमको अपनी मुक्ति को देखना है कि हम कितना मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं संबंधों में बंधन नहीं हो अच्छा ओम शांती। ओम शांति शांति दीदी सिस्टर एलिजाबेथ कहने है तो और पूरे व्यक्ति परिवार को भी ओम शांति मैं कहना चाहती हूँ कि दीदी Uh, मैंने जो दुआएं दो दुआए लोग का जो पूरा मास था मैंने बहुत उसको uh, अच्छे से अनुभव किया और आपके साथ uh, ये जो मास था उसमें आपसे बात करते हुए मैंने देखा कि आप में कितनी हिम्मत है कितनी शक्ति है चाहे आप कहीं भी जा रहे हो कितना भी ट्रैवल कर रहे हो शरीर कैसा भी है शरीर को कोई भी तकलीफ है लेकिन आप सदा देते ही रहते हो देते ही रहते हो और ये बाबा भी आज हमको कह रहे हैं ना कि प्यार और बाप समान बनना वैसे ही आप हो तो आप वो हिम्मत का उदाहरण हो हम सब के लिए और मैं अभी इसके लिए भी बहुत उत्साहित हूँ जो जीवन मुक्ति स्थिति की बाबा हमको ये जो पूरा मास उदाहरण प्रैक्टिस देने वाले हैं तो दीदी दी, आज तो, तो आज तो हमने बहुत सुंदर दो मुरलिया सुनी साकार मुरली भी सुनी जिसमें कि बाबा ज्ञान की बात कर रहे थे ज्ञान के मंथन की बात कर रहे थे कि कैसे ज्ञान स्वरूप बन जाओ कर्मों के द्वारा और फिर उससे हम उसका हमें भविष्य में फल मिलता है तो वो बहुत प्रैक्टिकल मुरली थी साकार मुरली और जो अव्यक्त मुरली थी आज की जो परिवार के साथ चली मधुबन में बहुत सुंदर थी बहुत अच्छी थी मुझे ऐसे लगा जैसे मैं वहां पर हूँ बाबा इतना प्यार दे रहे थे और मैं समझती हूँ कि आप सबको बाबा के उस प्यार का अनुभव हुआ होगा तो वो सब मैं अपने मन में रखते हुए ये जो इतनी सुंदर मुरलिया चली दोनों और ये जो बहुत सुंदर मुरली थी जिसमें बाबा हम पर प्यार बरसा रहे थे और मैं रही थी कि बाबा इतना प्यार जो हम पर बरसा रहे हैं तो उसके लिए बाबा हमको बहुत बड़ा धारणा हमको देंगे आगे बढ़ने के लिए जिससे कि हम आ, कैसे सोमान में टिके सबको सम्मान दे तो मैं आपके जीवन के अनुभव से ये समझना चाहती हूँ तो मेरे को नहीं पता कि उन दिनों कैसा था जब आप बाप दादा के साथ हुआ करते थे आप सब लोग तो वो कौन सा एक पुरुषार्थ था आपका जिसमें कि आप बाबा के प्यार में समाये रहते थे क्या वो बहुत आ, बहुत आसान था या क्या अभ्यास आप करते थे जिससे कि हम समझ सके कि बाबा का वो प्यार कैसे अनुभव करते थे आप कौन सा अभ्यास करते थे तो दीदी कह रहे हैं कि बाबा से हम जो भी लेते हैं बाबा के लिए जो भी हम करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं ना क्योंकि उसमें प्यार की शक्ति है और मैं समझती हूँ और आप सब भी ऐसा समझते होंगे कि बाबा का बेहद का प्यार है हम सभी के लिए और क्योंकि बाबा का ऐसा बेहद का प्यार है और जैसे कि आज सुबह भी बाबा हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इतना जरूरी है तो जैसे बाबा कहते हैं कि आप वारिस बच्चे हो और वारिस बच्चे जो होते हैं वो मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं माना उनमें सब शक्तियां होती हैं तो उनका प्यार का जो कनेक्शन है दुनिया में तो क्या होता है जहाँ प्यार होता है वहां बहुत निर्भरता हो जाती है दुख होता है, बहुत डर होता है, है, डर एक दूसरे से अलग होने का बहुत बहुत तरह की मुश्किलें आती हैं। लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं और बाबा का जो प्यार है वो प्यार हमारी शक्ति बन जाती है तो इसलिए बाबा कह रहे थे और मैं इसमें बहुत सोच रही थी कि बाबा का प्यार और बाबा की शक्तियां तो हमको सदा सदा ये याद रखना चाहिए कि हम मास्टर सर्व शक्तिवान है और ये मेरा वर्षा है और मुझे इन सब शक्तियों पर मेरा पूरा अधिकार है माना कि जब मुझे सहन शक्ति चाहिए तो बस सहन करने की वो मुझे संकल्प आ जाए और देखो कि मैं कितनी देर और कितना किस बात को सहन कर सकती हूँ तो ये बहुत समझने की बात है कि हम अपने स्वमान को चेक करें हम अपने अः वर्से को चेक करें तो प्यार सिर्फ प्यार नहीं लेकिन प्यार में शक्ति और एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बाबा कहते हैं कि तुम सब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो हमको वो अधिकार समझना है उस गुण को अपना मानना है और ये सच है ना क्योंकि देखो आपको कभी सहन करना है कोई चीज दस मिनट के लिए चलो सहन किया आपने और उसके बाद वो बात खत्म हो गई और फिर आपको कितनी खुशी होती है अपने बारे में अच्छा महसूस होता है कि देखो मुझ में कितनी शक्ति है ये सोचने की बजाय कि ओ मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती करके देखो और फिर करने के बाद जब वो समय चला जाता है तो आपको बहुत खुशी और गर्व का महसूस होता है कि देखो मुझ में ये शक्ति है और वो समान आप अनुभव करते हो स्वयं में तो मैं सोच रही थी जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए तो कैसे कैसे सोसाइटी में कैसे कैसी बातें हुई बहुत बहुत विरोध हुआ और यहाँ बाबा देखो कैसे मुस्कुराते रहते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं तो मतलब जैसे कि उनको पता ही नहीं कि ऐसे लगता था कि कुछ हुआ ही नहीं है तो ऐसे लगता था कि कोई ऐसे कोई मतलब परिस्थिति नहीं लगती थी बहुत मुस्कुराते रहते थे जैसे कि वो उस स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान की तो हम सब भी तो ऐसे ही यात्रा में है ना तो कभी हमको कोई मुश्किल आए कभी कोई तकलीफ आए तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है तो मैं हमेशा ही अनुभव करती हूँ कि हम बाबा के प्यार को अनुभव करें प्यार की शक्ति को अनुभव करें और ये मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस स्थिति को अनुभव करें तो इस संगम पर हम ये चीज अनुभव करते हैं ना तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ मेरा सब अधिकार है बाबा के गुण और शक्तियों पे तो दीदी -दी, सिस्टर एलिजाबेथ कह रहे हैं कि बहुत सुंदर है बहुत अच्छा आपने बताया कि जैसे बाबा आज कह रहे थे ना कि दस बार आप सहन करते हो और ग्यारहवीं ग्यार बार आप कहते हो कि ओ कितनी बार मैं ही सहन करूं तो दी आ, सिस्टर एलिजाबेथ कह रहे हैं मैं कई बार सोचती हूं कि क्यों मैं सहन नहीं कर पा सकती ग्यारहवीं बार तो मैं उस पर चिंतन करती हूँ तो मैं आपसे पूछती हूँ कि उस समय कौन सा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए कि जैसे मेरे बाबा मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो क्या मुझे भी आ, उस 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 याद में रहने के लिए क्या मुझे हमेशा अशारीरी स्थिति का अनुभव करना है क्या करना है कौन सा पुरुषार्थ करना है वैसे तो हमको साइलेंस में रहना है तो मेरा प्रश्न है कि कैसे हम इस पे मंथन करें तो दीदी कह रहे हैं कि महसूसता एक अलग चीज है लेकिन ये स्मृति में रहना इस शक्ति को अनुभव करना कि स्मृति जो मेरी है मास्टर सर्वशक्तिवान की ऐसे नहीं सोचो कि कैसे करूंगी कैसे किया मना कैसे सहन करेंगे नहीं क्योंकि हो सकता है कि उस समय आपकी स्मृति की प्रतिशत कम हो लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे अपना सहन शक्ति बढ़ाते जाओगे अपनी स्मृति की शक्ति और उसकी परसेंटेज uh, बढ़ाते जाओगे तो आप देखोगे कि जादू होता है उसमें और आप वो महसूस करोगे शक्तियों को वहां से महसूसता की शक्ति आती है पर कभी भी अपने आप को ऐसे नहीं कि इस स्मृति से दूर नहीं ले जाओ कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो सदा ये याद रखो तो बस इस संकल्प को बुद्धि में रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और फिर देखो उससे कितनी शक्तियां अपने आप जागृत हो जाती हैं और बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं जादुई तरीके से तो मैं ऐसे अनुभव करती हूँ और ये प्रैक्टिस करती हूँ तो सिस्टर अलीजा बैद करे मैं जरूर इसका अभ्यास करूंगी क्योंकि ये तो बहुत सहज है मैं आपको बताऊंगी <laughs> कि कैसे मैंने किया तो दीदी कह रहे बाबा हमको कह रहे हैं ना करने के लिए तो क्यों नहीं It's करना चाहिए ना हम सबको तो आगा बाबा आगा को अगर हमको विश्वास है तो हमको भी उतना ही विश्वास स्वयं पर होना चाहिए जितना बाबा का हम पर विश्वास है तो सिस्टर एलिजाबेथ कह रहे हैं कि ये जो पूरा तो मैं बाबा से तो आप ये बताओ कि कैसे आ, हम इतने सालों में आगे बढ़ने के लिए बाबा की पहचान को बढ़ाने के लिए गहराई से बाबा से संबंध बनाने के लिए या बाबा की पहचान को बढ़ाने के लिए तो कि कैसे मैं इन गुणों और शक्तियों का स्वरूप बन सकूं उसके लिए आ, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है कि आ, मैं बाबा को मैंने पहचान लिया मैं बाबा की शक्तियों गुणों में समाई हुई, 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 हुई प्यार में हुई, 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 हुई तो दीदी कह रहे हैं कि बाबा जो शब्द यूज़ करते हैं सागर तो वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका मतलब है बेहद तो माना हर कदम पर आपको बाबा का प्यार अनुभव होता है तो मैं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि कैसे सबको प्यार करूं सबको प्यार दूं, तो मतलब ये नहीं कि हम दे रहे हैं मतलब मैं तो हूं प्यार ना हम तो है ही प्रेम प्रेम स्वरूप तो उससे क्या होता है बहुत प्यार का अनुभव होता है शक्ति का अनुभव होता है खुशी का अनुभव होता है सुख का अनुभव होता है देने का अनुभव होता है तो मना कैसे जो भी चीजें हमको करनी है उसको प्यार से करो बहुत प्यार से करो क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़ी -थोड़ी बातों पे बहुत टेंशन करने लग जाते हैं कई और बुद्धि इधर उधर भागती रहती है काम में फंसी रहती है लेकिन अगर हम बहुत प्यार से सब कुछ करें तो फिर जो हम सबको दे रहे हैं वो भी तो प्यार है ना तो आप अगर किसी को कुछ कह भी रहे हो तो प्यार से कहो तो प्यार को ज्यादा से ज्यादा यूज करो अनुभव करो तो अगर हम प्यार से नहीं करेंगे तो फिर आ, कैसे अनुभव होगा ना तो कई अगर हम न, कई बार हम क्या होता है बस सेवा में खो जाते हैं काम में खो जाते हैं वो इतना करना है उतना करना है प्यार से करो ना जितना कर सकते हो उतना प्यार से करो ये मैं कहूंगी तो uh, yeah. मैं ये उससे अलग है जैसा मैं सोच रही थी तो मुझे लगा कि आप हमें बताओगे कि कैसे हम एक एक स्टेप बाबा के प्यार में समाओ लेकिन आपने जो बहुत सुंदर अनुभव बताया कि हमेशा प्रेम स्वरूप बन के रहो तो क्या करें अगर कोई हमारी ग्लानी करे आपके शुद्ध संकल्प तो है लेकिन वो फिर भी आपसे नाराज रहते हैं तो वो भी एक कला होनी चाहिए ना तो हम बहुत प्यार से दूसरे को बताते हैं लेकिन फिर भी वो आत्मा हमसे नाराज हो जाती है तो ऐसी आत्माओं को कैसे हम सम्मान देते ही रहे चाहे वो हमारी ग्लानी कर रहे हैं हमें अपमान कर रहे हैं तो फिर हम कैसे करें तो दीदी कह रहे हैं आप तो उसको प्यार करते ही रहो ना ना क्योंकि सच्चाई तो तो सामने आती है ना? तो वो आत्मा चाहे कुछ भी कर रही है कैसे भी कर रही है पर आप थोड़ी अपनी सच्चाई को बदल दोगे आप जो हो वही रहोगे ना वो चाहे कुछ भी करे आप, आप प्यार स्वरूप भी रहो आप देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा वो आत्मा को अनुभव होगा कि जो कुछ भी मैंने अभी तक किया वो गलत किया और ऐसा महसूस होगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं तो बस उस आत्मा को प्यार देते रहो प्यार देते रहो तो चाहे जो मर्जी वो आत्मा कर रही है लेकिन आप अपने अच्छे कर्म को नहीं छोड़ो उसके उसको प्यार देना नहीं छोड़ो तो आप इसका जादू देखना देखोगे आप तो दीदी कह रहे हैं फिर इसका जादू होगा आप इसका प्रैक्टिस करके देखो फिर मुझे बताना ये कैसे काम करते हैं तो दीदी एलिजाबेथ कह रहे हैं अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊं तो वो पूछ रहे हैं कि एक और प्रश्न पूछ सकते हैं क्या बापसमान इक्वल टू डी फादर बापसमान बनने के लिए तो जैसे बाबा कहते हैं कि हमारा टाइटल भी ऐसा है जो हम सबका उद्धार करें सबको ऊपर उठाएं तो तो ये प्रेम स्वरूप बनने में हमें मदद करेगा लेकिन अगर कोई सोचते हैं चाहे वो बाबा के लिए या किसी बात के लिए श्रीमत के लिए बुरा भी भी बोलते हैं। लेकिन फिर भी मैं उस आत्मा के लिए सम्मान रखूं, चाहे वो कुछ भी करें तो वो मेरा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए जिससे कि मैं उस आत्मा को सम्मान देती रहूं? कैसे हम हर आत्मा के लिए सम्मान रख सकते हैं तो दीदी कह रहे हैं कि आ, हर एक आत्मा को प्यार से देखो ना उस आत्मा को देखो उस आत्मा की कर्मों को और उसकी व्यक्तित्व को अलग तरीके से मत देखो उसको आत्मिक रूप में देखो कि जो हो गया या जैसा हो गया वो सब मत सोचो बस ये सोचो ये आत्मा है ये परमात्मा का बच्चा है और मुझे मैं प्रेम स्वरूप हूं मुझे तो प्रेम ही देना है तो दीदी कह रहे हैं, मैंने ये कईयों के साथ किया है तो वो बिल्कुल जैसे भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा क्या किया था तो एकदम मैं समझती हूं, ये तो ड्रामा है ड्रामा में फंसो नहीं उस चीज में फंसो नहीं पर उसको प्रेम देते रहो और दूसरों को भी फंसाओ नहीं बस ड्रामा के साथ आगे बढ़ते जाओ तो मैं समझती हूँ कि आपके प्यार की शक्ति जादू कर सकती है तो सिस्टर एलिजाबेथ कह रहे हैं बहुत सुंदर अगर हम नहीं फसेंगे तो वो भी नहीं फसेंगे है <laughs> ना दीदी आपका शुक्रिया बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया शांति, तो, तो, तो देह के भान की जो आकर्षण होती है या स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं, वो बहुत ही सहज मिट सकते हैं जब आप अपने को मेहमान समझेंगे समझो कोई आपका मकान है आप उसको कारण अकारण बेच देते हो बेच दिया तो फिर अपनापन चला गया फिर भले उसी स्थान पर रहते भी हो लेकिन मेहमान समझकर रहेंगे तो तो अपना समझ कर रहने में और अपना समझ कर रहने में और मेहमान समझ कर रहने में बहुत फर्क हो जाता है तो ये शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूं अभी तो ये शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूँ अभी इसको ऐसा समझो कि ये ये मेरा मेरा नहीं है। अभी अभी अगर मेरा कहेंगे तो ये अभी शरीर आपका नहीं रहा जिससे मर जीवा बन गए तो मेरा शरीर भी नहीं है तन अर्पण कर दिया या अभी भी मेरा समझते हो तो अभी इस पुराने शरीर की आयु ये तो समाप्त हो चुकी है ये तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है बस इसलिए आप अभी ये नहीं कह सकते कि ये मेरा शरीर है इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया तो अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए ये टेम्पोर लोन के रूप में दिया है जैसे बाबा समझते हैं मेरा शरीर नहीं लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पार्ट बचाते हैं, तो आप भी बाप समान होना, मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है जब मेरापन ही खत्म हो उसके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे उपराम हो जाएंगे ये शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य करने के लिए और कोई कर्तव्य के लिए शरीर नहीं है और कोई कर्तव्य करने, करने के लिए शरीर नहीं है तो ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वत ही होगा जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्ति या वैभव है वो भी अपने नहीं रहे तो सदा ऐसा समझकर चलो तो ऐसे समझकर चलने वाले सदा नशे में रहते हैं उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है ना सिर्फ घर लेकिन छह बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो वो सभी स्वतः स्मृति में रहती हैं। तो जैसे बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते हो और उसी में सारा ज्ञान आ जाता है वो सार छह बातों में सुनाते हो तो अपने को अगर मेहमान समझकर चलेंगे तो अपनी भी बातें सदा स्मृति में रहेंगी नाम सर्वोत्तम ब्राह्मण है रूप सालिग्राम है इसी प्रकार से समय की स्मृति घर की स्मृति कर्तव्य की स्मृति वर्षे की स्मृति स्वतः ही रहती है तो सारा ज्ञान जो विस्तार में इतना समय सुना है वो सार रूप में आ जाता है जो भी बोल बोलेंगे कर्म करेंगे उसमें सार भरा होगा और सार नहीं होगा सार के बिना जो भी है वो व्यर्थ है तो पूरे ज्ञान का सार हमारे हर कर्म और बोल में होना चाहिए और वो तभी होगा जब हमारे बुद्धि में ज्ञान का सार पूरे ज्ञान का सार होगा ओम शांति